पॉल सर, इस हफ्ते ना मैं आपके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, पर मुझे वैभव सर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। हाँ बेटा, क्योंकि वैभव और मेरा कनेक्शन कुछ और ही है। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सीन है ये ना हो तो क्या, फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार। यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या, फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो दिलबर हो यार। तुम्हें पता है मेरा ये दोस्त मेरी हर छोटी गलती पे मुझे डांटता है और मेरी हर खुशी में मुझसे ज्यादा नाचता है। तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो, तुम्हें पता है योगेश, जब भी वैभव और मैं साथ में नाचते तो पूरी दुनिया देखते रह जाती है। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या, फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार। अच्छा छोड़िए हमारी बात, चल रिहर्सल शुरू करते। सर मैंने हमारा डांस सीख लिया है। पॉल, आपने वैभव को मायूस नहीं किया, आपने अपने दोस्ती को लेट डाउन नहीं किया, और योगेश को जिस तरीके से आपने जस्टिफाई किया, उसके टैलेंट को जिस तरीके से आपने और निखारा, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। ही वॉज सो गुड। थैंक यू मैम। मुझे ये एक्ट सुपर से बहुत 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 ऊपर लगा। थैंक यू मैम। योगेश तो पानी की तरह है, जिस बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेता है। और पॉल की जो खासियत है कि पॉल चाहे कोई भी थीम हो, कोई भी एक्ट हो, कोई भी कंटेस्टेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, उस एक्ट में वो कहीं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है। और मुझे लगता है परफॉर्मिंग आर्ट के किसी भी विधा में, किसी भी इसमें सक्सेस का यही एक गुरु मंत्र है कि कहीं अपने आप को उसमें खोजो। तो पॉल ये जिंदगी भर ये करते रहना बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे, बिकॉज दिस इज वॉट यू नीड, कि हर एक में अपने आप को ढूंढना। आ जाओ झप्पी पाले, आ जा आ जा।
से दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करें क्या नाम ले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कंप्यूटर है पता नहीं कितने जीबी का मेमोरी है इसका आउटस्टैंडिंग वेरी नाइस थैंक यू सर दीपाली मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना याद रहता कि इस बीट पे मुझे ये वाला फूंक के इसको बंद करना है अभी ताज्जुब भी होना बंद हो गया क्योंकि इम्पॉसिबल इज नथिंग फॉर यू है ना आप कुछ भी कर सकती हैं ये अभी तय हो गया थैंक यू मैम मैं आपकी मम्मी से पूछना चाहती हूँ क्या क्या खा के पैदा किया है आपने क्या क्या बिजली गिरी थी आप पे जब आप प्रेग्नेंट थे दीपाली आप वाकई में बहुत बहुत ब्लेस्ड हो और क्या कहें अभी लफ्ज ही नहीं मिल रहे हैं तो बस इससे मैं ख़त्म कर देती हूँ कि ये एक्ट मेरे लिए सुपर से बहुत बहुत सुपर वाला थैंक यू मैम फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.